नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टीचिंग स्किल्स फॉर द बीए बीएड प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर. स्टूडेंट्स, टीचिंग स्किल्स जिसे हम शिक्षण कौशल भी कहते हैं, बी के पासी जो हमारे राइटर है, इन्होंने शिक्षण कौशल के बारे में लिखा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुविधाजनक बनाने की भावना से किए जाने वाले संबंधित शिक्षण कार्यों अथवा व्यवहारों के समूह को ही शिक्षण कौशल कहते हैं. तो शिक्षण एक जटिल तथा असाधारण प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें विविध प्रकार के हम शिक्षण कौशलों का यूज़ करते हैं. और सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा में होने वाले अध्यापन की जटिलता को कम करने के लिए ही हम कौशल डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स को यूज़ करते हैं. तो उसी के उद्देश्य से शिक्षण कौशल का यूज़ किया जाने लगा है. अब देखिए, हम बात करते हैं कि शिक्षण कौशल एक्चुअल में है क्या. एनल गैग के कथानुसार शिक्षण कौशल विशिष्ट शैक्षिक क्रियाएं और विधियां होती हैं जिनका अध्यापक अपने कक्षा अध्यापन में प्रयोग करता है. इसका संबंध शिक्षण की विविध अवस्थाओं में या अध्यापन की लगातार चलने वाली क्रिया से होता है. वाइन और मैकेंटायर ने बताया है कि शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण व्यवहारों का समूह होता है जो कक्षा की अंतः क्रियाओं की परिस्थितियों का विशिष्ट प्रकार होते हैं और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न भी करते हैं. टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर दैट ए टीचर मे यूज इन हिज क्लासरूम. दीज आर रिलेटेड टू द वेरियस स्टेज ऑफ टीचिंग और इन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द टीचर परफॉर्मेंस. अब हम बात करते हैं कि शिक्षण कौशल कितने प्रकार के हैं. शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल को बताया गया है. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एलन और रेयन ने 14 कौशलों का प्रयोग किया है और बॉर्ग ने बताया कि इसकी संख्या 18 तक हो सकती है. ऐसे ही भारत में जो बी के पासी हैं, उन्होंने बड़ौदा में किए गए शोध कार्य ने रिसर्च के बेसिस पर 21 कौशलों की सूची प्रदान की. 21 कौशलों की लिस्ट दी उन्होंने कि 21 कौशल होते हैं. इसी प्रकार से जो जंगीरा है, उन्होंने 1979 में अपने साथियों के साथ मिलकर 20 कौशलों की सूची तैयार की. तो इसकी के बेसिस पे कुछ स्किल्स इस प्रकार है. पहला है, फर्स्ट इज प्रोत्साहन विविधता, स्टिमुलेशन वेरिएशन. शिक्षण के दौरान शिक्षक को जैसा प्रोत्साहित किया जाता है उस पर अध्यापन निर्भर करता है. एक अच्छा शिक्षक अपने अध्यापक में अध्यापन में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन में परिवर्तन करता रहता है. इस प्रकार छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है. इस तरह शिक्षकों को हाव भाव, केंद्रीकरण, क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति आदि में प्रशिक्षित किया जाता है. सेकेंड है, निश्चित प्रस्तावना. निश्चित प्रस्तावना छात्रों को अधिक से अधिक अनुमान लगाने में सहायता करती है. अध्यापन उनके पूर्व अर्जित ज्ञान तथा कौशल में का प्रयोग करता है और पाठ में उन्हें सक्रिय रखता है. समापन, थर्ड है समापन स्किल. अध्यापन की एक अवस्था समापन होने से होती है. यह छात्रों की नई जानकारी से पूर्व अर्जित जानकारी का संबंध जोड़ने में सहायता करती है. फिर हम आते हैं मौन तथा अशाब्दिक इशारे. शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मौन तथा अशाब्दिक इशारे करता रहता है. कभी कभी सोचने की क्रिया को उकसाने वाला प्रश्न भी पूछता है. छात्र उस पर बोलते हैं, चर्चा आगे चलती रहती है. जब शिक्षक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता अपितु चुप रहता है. इससे और भी छात्र आगे आते हैं और बोलते हैं. नेक्स्ट जो स्किल है वो है री इन्फोर्समेंट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्रों की सक्रियता को सशक्त बनाना. इसमें क्या होता है, अध्यापक हर तरह से छात्रों को पाठ में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है और जहाँ तक हो सके वह उनके जवाबों को हंसकर स्वीकार भी करता है और केवल पॉजिटिव स्वरूप को सशक्त बनाने के तरीके अपनाता है. अब वह निष्फल स्वरूप के तरीकों के प्रयोग रोकने की हर कोशिश करता है ताकि छात्र कहीं निरुत्साहित ना हो जाए. नेक्स्ट, प्रश्न पूछना अखंडित, फ्लुएंसी मेकिंग क्वेश्चन. कक्षा में प्रश्न पूछते हुए अध्यापक को कहीं रुकना नहीं चाहिए. द
धारा प्रवाह प्रश्न पूछे जाने चाहिए। शिक्षण के निश्चित कालखंड में वह जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक प्रश्न पूछे। खोजपूर्ण प्रश्न प्रोबिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, अध्यापक ऐसे प्रश्न पूछता है जिनकी सहायता से छात्रों में उनकी गुप्त बातें निकलवाता है। खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता से शिक्षक को छात्रों के जवाब को ठीक करने में सहायता मिलती है। उच्च स्तरीय प्रश्न हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रत्येक अच्छे पाठ में अध्यापक कुछ उच्च स्तरीय प्रश्न पूछता है। इस तरह के प्रश्न छात्रों को निष्कर्ष निकालने में या कुछ निश्चित सिद्धांतों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। देन कम द डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, विकेंद्रीकरण प्रश्न का तात्पर्य है कि प्रश्न पद्धति के प्रश्न पूछना एक दूसरा कौशल है जो छात्रों के रचनात्मकता सोचने के लिए बाध्य करता है। देन ध्यान केंद्रित व्यवहार को पहचानना, हर अच्छे अध्यापक में पढ़ाते हुए जानने की योग्यता होती है कि छात्र में पाठ कहाँ तक रुचि ले रहे हैं। यह काम अध्यापक दिखाई देने वाले इशारों की सहायता से कर सकता है। फिर है चित्र और उदाहरण का उपयोग करना, एक अच्छे अध्यापक में स्पष्ट पढ़ाने का कौशल होता है, इस उद्देश्य के लिए वह अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। चित्रों के द्वारा वह सभी का ध्यान खींच लेता है। फिर है भाषण देना, अध्यापक अपनी सामग्री को उचित प्रकार के प्रभाव से प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है और उसी प्रकार से उनका उल्लेख भी करता रहता है। देन कौशल इज प्लान्ड रिपीटिशन, कभी कभी शिक्षण के लिए अध्यापक नियोजित ढंग से बातों की पुनरावृत्ति भी करता है। यह इसलिए करता है कि छात्रों का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर केंद्रित हो जाए, इसलिए भी रीइंफोर्समेंट करना जरूरी है, रिपीटिशन करना जरूरी है। फिर है पूर्णता, अध्यापन संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। अध्यापक के छात्र द्वारा छात्र पूरी तरह से अपने को अभ्युक्त करता है। वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की, उनकी मानसिक बनावट के विकास करने की तथा उनमें रुचि पैदा करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, बी के पासी ने अपने जो पुस्तक है वो है बुक है, उन्होंने जो लिखी थी बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच, इसमें उन्होंने कुछ कौशलों का उल्लेख किया है। वो कौशल मैं ओनली मैं आपको नाम बताना चाहूँगी कि कौन कौन से विविध कौशल उन्होंने बताए हैं इस पुस्तक के अंदर। फर्स्ट है शैक्षणिक उद्देश्यों का लेखन, सेकंड पाठ परिचय कराना, थर्ड प्रश्न पूछना अखंडित रखना, फोर्थ खोज प्रश्न करना, फिफ्थ स्पष्टीकरण देना, सिक्स स्वउदाहरण स्पष्ट करना, सेवन प्रोत्साहन में विविधता देना, एट मौन तथा अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया, नाइन सशक्तिकरण, टेन छात्रों की सक्रियता को बढ़ाना, 11 शाम पट्ट का उपयोग करना, 12 समापन संपन्न करना, 13 ध्यान केंद्रित व्यवहार को पहचानना। तो इस प्रकार की कौशलों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा टीचिंग स्किल्स का। थैंक यू।